एक पति दे वल्लों अपनी पत्नी दे नाल शरेआम बाजार दे विच कुटमार की गई। कहा जा रहा कि आईफोन उस दे सिर दे विच मार के सिर भी पाड़ दिता। हालांकि पत्नी लहू लुहान हालत दे विच हस्पताल च पहुंची है इलाज करवाउण दे लई, ते उत्थे उसने अपने पति दे उत्ते काफ़ी गंभीर इल्जाम लगाए ने। पत्नी का कहना है कि उसका अपने पति नाल 6 महीने पहला ही तलाक हो चुका है, पर उसका पति उसनू जिथे भी मिलता उत्थे ही कुटमार करनी शुरू कर दिंदा है। ते हुण ओह आसाम तो अपनी भैन दे कोल स्पा सेंटर लुधियाने आई सी, अते जदों ओह अपनी भैन नू मिल के वापस घर जा रही थी तो अचानक ही उसका पति उसनू रस्ते दे विच मिल गया अते उसने मुड़ तो कुटमार करनी शुरू कर दी। हालांकि पति दे नाल उसके कई दोस्त भी दसे जा रहे हैं। हालांकि पति दे वल्लों कुटमार की गई है, जिस तों बाद ओह लड़की काफ़ी गंभीर रूप नाल जख्मी हो जाती है अते उसनू हस्पताल दे विच इलाज लई दाखिल करवाया गया। फिलहाल लड़की ने हुण पुलिस प्रशासन दे कोल इंसाफ दी गुहार लगाई है। तो मामला लुधियाणा तो सामने आया, जिथे कि एक पति दे वल्लों अपनी पत्नी दे नाल कुटमार की गई है। हालांकि कहा जा रहा है कि इन्हां दा 6 महीने पहला तलाक भी हो चुका है। लड़की दे वल्लों इल्जाम लगाए गए हैं कि जिथे भी उसका पति उसनू मिलता है उत्थे ही कुटमार करनी शुरू कर दिंदा है। खुशी, क्या हुआ, क्या आपके साथ आज? कुछ नहीं हुआ, ऑफिस के से मैं निकल के घर जा रही थी तो मेरा तलाक को हो गए, मतलब 6 महीने से ज़्यादा हो गए। मेरा कोई रिश्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऑफिस से निकला, मैं कोई सामान भूल गई, दोबारा ऑफिस के लिए गई। उन्होंने क्या किया, जब मैं दोबारा निकला उन्होंने मतलब मारपीट करी, फिर उन्होंने मेरा सिर फाड़ दिया और वो 4-5 लोग थे और मैं अकेली ऑफिस से निकली। और ऑफिस के पास बस मेरे साथ एक सफाई वाला लड़का होता, वो अंदर था और मैं अकेली ही बाहर निकली। जिसने आपको मारा है वो कौन थी? रहमत खान। क्या नाम है उनका? रहमत खान। क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं? उनका ऑफिस है। किस चीज़ का? मसाज का। किस चीज़ से मारा गया? स्पा सेंटर है उनका। कहाँ पे? लुधियाने ही है। किस जगह? किस एरिया में? कुछ एरिया आपको? एरिया भाई वाले चौक। किस चीज़ से मारा गया? ये उन्होंने फोन से मारा है। पहले उन्होंने लातों से मारा, थप्पड़ मारे, फिर उन्होंने लास्ट में फोन उठा के मेरे सिर पे मार दिया। मारने की क्या वजह? मारने की कोई वजह नहीं है, जब सब कुछ पहले उन्होंने फैमिली को थ्रू तलाक दे दिया, ठीक है, फिर मैंने कोर्ट में किया, ठीक है, कोर्ट से बोलते मैंने तलाक नहीं देना, ठीक है, उसके बाद भी बोलते सब कुछ खत्म है, पर वो ये कहते मैंने रखना है। तलाक देने के बावजूद भी वो मेरे साथ टॉर्चरबाजी करते हैं। तो कितने टाइम से आपका डिवोर्स का केस लगा? 8-9 महीने हो गए। तो क्या कारण रहा है कि जो इतना वो मार पिटाई कर रहे हैं? कितने टाइम से लगे हैं? मेरे को 8-9 महीने हो गए। आप क्या काम करते हैं? मैं कोई काम नहीं करती। अच्छा, आज हुआ क्या था दरअसल, आज की जो घटना है? कुछ भी नहीं हुआ, नॉर्मली मैं तो साउथ में रहती हूँ, मैं अभी आई हूँ। अच्छा, उधर साउथ की? हाँ, आसाम। तो मैं ऑफिस गई थी तो उन्होंने क्या किया, ऑफिस से निकलते हैं उन्होंने मारपीट किया। आप क्या काम करते हैं यहाँ? मैं कोई काम नहीं आप करती। कह रहे कि आप ऑफिस गए थे? मतलब वो सिस्टर का ऑफिस था, मैं वैसे ही गई थी। अच्छा, मैं जॉब नहीं करती। किस चीज का ऑफिस है उनका? स्पाई है। स्पाई है, ठीक है। हाँ जी। तो आप किस जगह पे थे? भाई वाला चौकी? नहीं, दुगरी लिबरा बस स्टैंड। अच्छा, दुगरी। तो आप वहाँ पर गए तो इन्होंने वहाँ पे आपको देख लिया जी। तो इतने में ये मारा क्या है माथे पे? इन्होंने फोन उठा के मारा और उनके साथ में 5-6 लड़के थे और लड़कों को मैं सबको जानती हूँ, जो भी थे मैं जानती हूँ। क्या नाम है जी उनका? रहमत थे और श्याम नाम का लड़का था और 2-3 लड़के और थे, नाम नहीं जानती पर फेस से जानती हूँ मैं। पहले भी मार पिटाई हुई जाती है? पहले उन्होंने बहुत मारा था, मतलब जब मेरा डिवोर्स हुआ था उसके पहले भी बहुत मारा था। वो अन लड़की के साथ भी रहता है, ठीक है, जब तलाक के बाद वो किसी और के साथ रह सकता है तो फिर मेरे पे तो हक जताने का कोई वो नहीं है। वो अपनी लाइफ में कुछ भी करे और मेरे जब सब कुछ खत्म है तो मैं अपनी लाइफ में कुछ भी करूँ, कहीं भी आऊँ जाऊँ जो मर्जी करूँ। तो आज इसी कारणों से मारपीट इन्होंने की है? हाँ जी। क्या चाहती है? मेरे को पर्चा कराना है क्योंकि अभी तक तो तलाक हो गया था, मैंने कुछ भी नहीं लिया था, ऑफिस में ही हिस्सा नहीं लिया था, अब तो मैं हर चीज में लूंगी। क्योंकि जब ऐसे तुम रास्ते में मेरे को टॉर्चर करोगे मैं कैसे छोड़ दूंगी, अब तो मैं कहीं भी नहीं छोड़ूंगी, मैं पर्चा ही करूंगी उस पे।